स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज मैं इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो इक्वेशियो प्लगइन हमने हमारे गूगल फॉर्म्स के अंदर यूज करा है, जो कि मैंने एक पुराने वीडियो में आपको करके बताया है, उसे हम गूगल डॉक्स में कैसे यूज करेंगे। जिन लोगों को गूगल डॉक्स नहीं पता है उन लोगों को मैं आज ये गूगल डॉक्स कैसे यूज करना है वो भी बता दूंगा। और गूगल डॉक्स जो एमएस वर्ड का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो सब्स्टिट्यूट है गूगल डॉक्स, उसमें इस इक्वेशियो प्लगइन को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लोग नए हैं वो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, जिससे आप लोगों को भी फायदा मिलेगा। जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखना है गूगल डॉक्स। ठीक है, जो लोग ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं, जिन्होंने इक्वेशियो प्लगइन वाला वीडियो नहीं देखा है, वो मेरा पुराना वीडियो, इस वीडियो से पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करा था उसे जाके देखिए कि इक्वेशियो प्लगइन को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे गूगल डॉक्स लिखा है, यहाँ पे देखिए पहली लिंक आ गई है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस तरह का पेज आ जाएगा, यहाँ पे गो टू गूगल डॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, जिस भी अकाउंट से आप बाय डिफॉल्ट साइन इन होंगे वो अकाउंट यहाँ पे शो होने लग जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट जो है वो शो होने लग गया है। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 3 लाइन्स आपको दी हुई है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गूगल डॉक्स से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। डॉक्स मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट, शीट्स मतलब एक्सेल शीट, स्लाइड्स मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और फॉर्म्स आप जो भी बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे ड्राइव का भी आपको आइकन दिया हुआ है, यहाँ से आप ड्राइव पे भी अपने स्विच हो सकते हैं। तो इस अकाउंट से जुड़ी हुई जो ड्राइव है वो आपको दिखने लग जाएगी। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इक्वेशियो को गूगल फॉर्म्स के ऊपर कैसे यूज करते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल डॉक्स के ऊपर आप इक्वेशियो को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है और थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ये डॉक्यूमेंट लोड होगा, इसके साथ ये जो मेरा इक्वेशियो प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल है ये भी लोड हो जाएगा। आपको थोड़ा सा वेट करना है, देखिए ये यहाँ पे लोड हो गया है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बेसिक यूज करके बताया था इक्वेशियो प्लगइन का, यहाँ पे मैं आपको इसके एडवांस फीचर्स के बारे में आज बताने वाला हूँ। ठीक है, ये एडवांस फीचर्स आप गूगल फॉर्म पे भी यूज कर सकते हैं एज इट इज। जैसा कि कल मैंने बताया था यहाँ पे कि आप इक्वेशन लेके जो है अपना इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डायरेक्टली टाइप करके भी इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 माइनस, ठीक है, तो ये माइनस का सिंबल आ गया। 3 मैंने यहाँ पे लिखा प्लस, तो ये प्लस का सिंबल आ गया। 4 यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल, तो ये इक्वल का सिंबल आ गया। यहाँ पे मैंने लिखा स्क्वायर रूट, स्क्वायर सिर्फ SQU लिखने पे यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट। यहाँ पे मैंने लिख दिया 10। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आपको इंसर्ट मैथ के ऊपर क्लिक करना है तो आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन है ये अपने आप इंसर्ट हो जाएगा आपके गूगल डॉक्स के अंदर। ठीक है, ये देखिए ये जो है ये यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इस तरह से आप जो है अपने क्वेश्चन से वो गूगल डॉक्स के अंदर इजिली इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि ये ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा तो आपको गूगल डॉक्स के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पे माइक के बटन के ऊपर क्लिक करा, ठीक है, क्लिक बटन टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग, यहाँ पे रिकॉर्ड करता जाएगा और वहां पे सारी इक्वेशन क्रिएट कर देगा। जैसे मैंने यहाँ से रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करा, ठीक है, तो यहाँ पे अलाउ का पॉपअप बॉक्स आया है, आपने इसको अलाउ कर दिया है। प्लस माइनस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये नंबर यहाँ पे आ गए हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे जो भी बोला यहाँ पे वो नंबर आ जाएगा। प्लस माइनस इक्वल टू इक्वल इक्वल मल्टीप्लाई 3 इक्वल इक्वल 5 6 7 डिवाइड स्क्वायर रूट स्क्वायर डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं ये आपकी जो पूरी इक्वेशन है यहाँ पे बन गई है, इसे मैंने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप जो है इक्वेशियो का यूज करके जो है इक्वेशंस को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल भी आपको मिल जाएगी, साइंस से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भी टीचर्स हैं उनके लिए बहुत काम की चीज है। ठीक है, यहाँ पे आपको कैलकुलेटर भी मिल जाएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखिए, और साथ में यहाँ पे आपको ग्राफ भी मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप ग्राफ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये हैंड राइटिंग का टूल भी आपको दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आपके पास डिजिटल
ग्राफिकल टैब है, तो आप यहाँ पे हैंड राइटिंग से अगर कुछ लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये आ गया ए स्क्वायर बी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था। जैसे मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आउटपुट आ गया है। तो यहाँ पे हैंड राइटिंग का भी टूल है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। ट्राई इक्वेशियो मोबाइल, यहाँ से आप अपने मोबाइल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो ये आपके मोबाइल पे भी वर्क करने लग जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि गूगल डॉक्स पे आप कैसे वर्क कर सकते हैं इक्वेशियो के साथ में, कैसे इक्वेशंस इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये छोटा सा ट्यूटोरियल पसंद आया हो, आपकी जो प्रॉब्लम्स थी अब वो प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व हो गई हैं, तो दोस्तों प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, वो जो सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उसको प्लीज़ क्लिक करिए, ताकि आपका जो सपोर्ट है मुझे मिल पाए और मैं और भी वीडियोस आपके लिए बना पाऊँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए ट्यूटोरियल के साथ में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे एट होम।